यह सरकार नेक्स्ट पॉइंट चैप्टर नंबर 30 बैगेज पोस्टल आर्टिकल्स एंड स्टोर्स सुनना दिल थाम के बहुत अच्छा पॉइंट है छोटा सा पॉइंट है बैगेज सर बैगेज होता क्या है बैगेज का डेफिनेशन बोलता है बैगेज इंक्लूड्स अनअकंपनीड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड्स मोटर व्हीकल्स ओके बैगेज होता क्या है पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ अ पैसेंजर प्रोवाइडेड 2019 कमर्शियल क्वांटिटी अगर आप आउट ऑफ इंडिया गए वापस इंडिया में आ रहे हो तो जो आपके पास लगेज है जो बैगेज है वो स्कोप में कवर होता है इसके अच्छा इट इंक्लूड्स अनअकंपनीड बैगेज ऑल्सो बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल ओके सर अगर आप बाहर से आ रहे हो और बोनाफाइड बैगेज अगर आपके पास है तो कोई कष्ट नहीं लगता है पर अगर आप बाहर से आए हो और नए गुड्स साथ में लेके आए हो तो न्यू गुड्स जो लेके आए आप उस पर सर एक लिमिट तक एग्जिबिशन दिया हुआ है उससे एक्सेस पे क्या लगता है कष्ट लगता है पर हाँ ध्यान रखना वो गुड शुड नॉट बी फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और कॉमर्स एक्टिविटी सर आपके पर्सनल यूज के लिए गुड्स होना चाहिए या गिफ्टिंग के लिए गुड्स होना चाहिए तो ही बैगेज के स्कोप में आएंगे नहीं तो आपको कोई एग्जिबिशन नहीं मिलता ओके सर ध्यान बेटा अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया अगर आप कोई बैगेज लेके आ रहे हो तो जिस दिन आप कस्टम पोर्ट पे आएंगे सर कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट वहीं पे आपको बैगेज प्रेजेंट करना पड़ता है वहीं पे डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मेरे बैगेज में ये कंटेंट है ओके सर रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ अगर कस्टम लगना है तो वही डेट रिलेवेंट होती है और एट प्रेजेंट कोई भी बैगेज हो कोई भी गुड्स हो रेट ऑफ कस्टम कितना है 35% प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% मतलब 38.5% हो जाएगा बेटा 10% ऑफ 35% 3.5% ऐड करेंगे तो ओके फिर आता है क्या अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया व्हेन द बैगेज ऑफ एनी पैसेंजर कंटेंस एनी आर्टिकल द इंपोर्ट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड और विच इज ड्यूटेबल पर उसके रेस्पेक्ट में अगर आपने ट्रू डिक्लेरेशन दिया कस्टम ऑफिसर को तो ऐसे केस में एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर पैसेंजर सर कस्टम ऑफिसर उन गुड्स को वहीं पर रिटर्न करके अपने पास रख लेगा और जब वो पैसेंजर आउट ऑफ इंडिया जा रहा होगा तब वो गुड्स उसको वापस लौटा देंगे सर और वो अगर किसी और पोर्ट से निकल गया तो ऐसे केस में एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय हिम या थ्रू कार्गो कंजाइंड इन हिज नेम गुड्स उसको लौटा दिए जाएंगे क्लियर कोई पेनल्टी कोई कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा कस्टम वगैरह पर ट्रू डिक्लेरेशन दिया तो याद आया हेमल के शाह के केस में क्या हुआ था बेटा सर वो स्मगलिंग कर रहा था स्मगलिंग मतलब वो छुपा के गुड्स ले जा रहा था पकड़ लिया और बोलता क्या ठीक है मेरे को सेक्शन 80 का बेनिफिट देता तो ऐसे केस में सेक्शन 80 का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि उसने ट्रू डिक्लेरेशन नहीं दिया था ओके देन सेक्शन 81 में गवर्नमेंट को पावर दे रखा है रूल्स रेगुलेशन बनाने का ओके सर आइए सर मेन पॉइंट बात है एग्जिबिशन कितना मिलेगा सर रूल नंबर 3 जो बैगेज का दे रखा है वो बोलता है क्या अगर कोई पैसेंजर इज रिटर्निंग और कमिंग फ्रॉम अ कंट्री अदर देन नेपाल भूटान और म्यांमार से अगर कोई पैसेंजर आ रहा है ध्यान रखना बेटा अगर फॉरेन ओरिजिन का टूरिस्ट है तो 15,000 का आर्टिकल उसको अलाउड है विदाउट कस्टम्स क्लियर आई रिपीट 15,000 तक की गुड्स अलाउड है अलॉन्ग विथ सर यूज पर्सनल इफेक्ट अलाउड है प्लस ट्रेवल्स होने अलाउड है अदर आर्टिकल केवल कितने 15,000 की वैल्यू तक अलाउड है बेटा क्लियर और हाँ अगर इन्फेंट आ रहा है भले फॉरेन ओरिजिन का हो किसी भी ओरिजिन का हो तो उसके लिए केवल यूज्ड पर्सनल इफेक्ट अलाउड है और हाँ सर फॉरेन ओरिजिन के टूरिस्ट के अलावा कोई भी पर्सन अगर आ रहा है बाहर से तो ऐसे केस में 50,000 तक के गुड्स उसका अलाउड है विदाउट एनी कस्टम्स प्लस यूज्ड पर्सनल इफेक्ट एंड ट्रेवल सोनियर जानना यूज्ड पर्सनल इफेक्ट और ट्रेवल सोनियर कितना भी वैल्यू हो कोई कंसर्न नहीं उसको काउंट करना ही मत सर बाकी आर्टिकल 50,000 के फॉरेन टूरिस्ट केस में 15,000 के और अगर इन्फेंट आ रहा तो ओनली एंड ओनली यूज पर्सनल इफेक्ट अलाउड है बेटा क्लियर एंड हाँ अगर नेपाल भूटान म्यांमार से आ रहे हो तो कोई भी कैटेगरी ऑफ पैसेंजर बाहर से आ रहा हो सर भले इंडियन ओरिजिन का हो फॉरेन ओरिजिन का हो कोई भी कैटेगरी ऑफ पैसेंजर हो सबके लिए 15,000 के आर्टिकल्स अलाउड है विदाउट पेमेंट ऑफ एनी कस्टम्स प्लस यूज पर्सनल इफेक्ट एंड ट्रेवल्स ओन ईयर पर अगर आप बाय लैंड रूट आ रहे हो नेपाल भूटान म्यांमार से तो ऐसे केस में केवल यूज पर्सनल इफेक्ट अलाउड है और अगर इन्फेंट है सर तो ऐसे केस में नेपाल भूटान म्यांमार हो या कोई भी कंट्री हो हमेशा इन्फेंट के केस में तो यूज पर्सनल इफेक्ट अलाउड है क्योंकि वो किसी के लिए क्या गिफ्ट लाएगा वो तो खुद ही गिफ्ट है क्लियर ज्यादा मत सोचना इस पर ओके अब मेरा पॉइंट आपसे ये कि अगर आपकी एज 18 ईयर्स और मोर देन 18 ईयर्स है तो सर रूल नंबर 3 हो या रूल नंबर 4 हो किसी भी कंट्री से आप आ रहे हो तो एक लैपटॉप आपको एडिशनली अलाउड है विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी इन एडिशन टू व्हाटएवर एग्जिबिशन यू आर एलिजिबल फॉर बेटा क्लियर एक लैपटॉप फ्री अलाउड है विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम नया लैपटॉप लेके आइए कोई दिक्कत नहीं बेटा अच्छा एक बात और बेटा अगर रूल नंबर 3 हो या रूल नंबर 4 हो सर दोनों केस में बोला है क्या दीज लिमिट्स कैन नॉट बी क्लब्ड टुगेदर फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल सर ईच इंडिविजुअल के लिए लिमिट देखा जाएगा ऐसा नहीं कि कोई आप एक गिफ्ट लेके आए गुड्स लेके आए बाहर से जो ₹120,000 का था तो ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सर हम तीन दोस्त थे तीनों मिला के 1,20,000 गुड्स लेके आए ऐसा नहीं होगा किसी एक के लिए बेनिफिट मिल जाएगा बाकी के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा बेटा क्लियर हाँ नंबर ऑफ गुड्स अलग अलग थे अप्रूव कर देना ये गुड्स का ईच अप टू 50,000 या 15,000 एज द केस में भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा पर दिस लिमिट्स कैन नॉट बी क्लब्ड टुगेदर फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल ओके सर अब ध्यान रखना 15,000 या 50,000 जो भी मैंने लिमिट बताया रूल नंबर 3 हो या रूल नंबर 4 हो ये जो मैंने आपको लिमिट बताया फॉर एनी गुड्स
अदर देन गुड्स कवर्ड इन अनेक्सर वन. अगर गुड्स अनेक्सर वन में कवर है तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. अनेक्सर वन वाली गुड्स आर इन एलिजिबल फॉर बेनिफिट. ध्यान रखना, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं बेटा. अब सर अनेक्सर वन में जो गुड्स कवर है, अब अगर क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल बनने लगे आजकल बेटा, तो ध्यान रखना आप दो पोर्शन में आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो. एक लिस्ट बना देना एलिजिबल गुड्स का, एक बोलना इन एलिजिबल का. जो इन एलिजिबल हो उस पर तो कंपलसरी आपको कस्टम पे करना ही करना है. जो एलिजिबल है वो पूरे एग्जाम नहीं है, वो एलिजिबल है अप टू द लिमिट ऑफ 15,000 और 50,000 एज द केस में बेटा. अच्छा, अब अनेक्सर वन में क्या कवर है? फायर आर्म्स, कार्टेजेस ऑफ फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50. तो 50 से ज्यादा लेके आए तो वो कवर होगा अनेक्सर वन में. 51 लेके आए तो एक कवर है बेटा. 50 एलिजिबल है बच्चों, क्लियर? देन वाइन और एल्कोहल लिकर, किसका ऐड कर रहे हो? वाइन और एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कितना? अप टू 2 लीटर. जो अनेक्सर वन में कवर नहीं पर एक्सीडिंग 2 लीटर हुआ तो अनेक्सर वन में कवर हो जाएगा. 3 लीटर लेके आया तो 1 लीटर अनेक्सर वन में कवर है और 2 लीटर एलिजिबल एग्जेम्पशन के लिए. ओके सर बेवड़ो. सर सिगरेट्स एक्सीडिंग 100 स्टिक्स, सिगार्स एक्सीडिंग 25 और टोबैको एक्सीडिंग 125 ग्राम्स. देन सर टेलीविजन कौन सा? LCD, LED और प्लाज्मा एंड गोल्ड और सिल्वर. गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट, ये सब अनेक्सर वन में कवर है. इनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है, ये इन एलिजिबल हो जाएंगे. और अगर ये गुड्स है आपके पास, ध्यान रखना, जैसे आप स्टिक्स कौन सी सिगरेट्स वाली सुट्टा होए कितना लेके आए? 120 स्टिक्स लेके आए तो 100 एलिजिबल है. एक्सीडिंग 100 एलिजिबल नहीं, मतलब 20 एलिजिबल नहीं है. तो उन इन एलिजिबल गुड्स के लिए आपको कंपलसरी कस्टम पे करना पड़ेगा बच्चा. ओके सर, बाकी के लिए एलिजिबल हो जाएगा. और जो एलिजिबल है वो अप टू 50,000 या 15,000 एज द केस में भी उस अमाउंट तक एलिजिबल रहेगा. उससे एक्सेस पे 35% प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज लग जाएगा बच्चों. ओके नाउ है एडिशनल एग्जेम्पशन फॉर ज्वेलरी. देन रूल नंबर 5 सर, जेंटलमैन पैसेंजर. हाँ याद आ रहा है, क्लास में स्माइल आ रही मुंह पे. जेंटलमैन पैसेंजर के लिए कितना है सर? 20 ग्राम, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज 50,000. और लेडी पैसेंजर, देना मैन के केस में जेंटलमैन, लेडीज आर प्रिज्यूम टू बी जेंटल ओनली बेटा. ओके तो लेडी पैसेंजर केस में डबल 40 ग्राम्स विद मैक्सिमम कैप ऑफ रुपीज 1 लाख. ओके 40 ग्राम्स और रुपीज 1 लाख विच एवर इज लेस. पर ध्यान रखना एडिशनल एग्जेम्पशन फॉर ज्वेलरी आपको तभी मिलेगा, भले लेडी हो या जेंटलमैन हो, तभी मिलेगा अगर आप एक्सीडिंग 1 ईयर आउट ऑफ इंडिया रहे तो. क्लियर? इस पर भी क्वेश्चन बन चुका बच्चों, ध्यान रखना. क्लियर? एक्सीडिंग 1 ईयर बाहर रहे तो ये बेनिफिट मिलेगा. ओके सर ध्यान रखना बेटा, रूल नंबर 6. अच्छा एक बात और बताता हूँ आपको, मान लो कोई पैसेंजर आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है, उसके पास ज्वेलरी जो नई ज्वेलरी लाया और कुछ तो लेके नहीं आया, तो रूल नंबर 5 का बेनिफिट भी उसको मिलेगा अगर 1 ईयर से ज्यादा रहा तो. रूल नंबर 3 और 4 का जो नॉर्मल बेनिफिट है वो भी ज्वेलरी के लिए होता है. अनेक्सर वन में कवर क्या है? गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स. ऑर्नामेंट लेके आए तो अनेक्सर वन में कवर नहीं है, एलिजिबल बेनिफिट के लिए रूल नंबर 3 और 4 के लिए बेटा. ओके और एडिशनल अलाउंस ये वाला मिल जाएगा रूल नंबर 5 में अगर आप मोर देन 1 ईयर रहे तो. ओके रूल नंबर 6 बोलता है क्या? एडिशनल अलाउंस ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस. अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो और अपना घर शिफ्ट कर रहे हो हिंदुस्तान में, सर मेड इन चाइना नाउ मेक इन इंडिया, अब ऐसे केस में आप हिंदुस्तान में आ रहे हो या आप किसी प्रोफेशन के लिए आउट ऑफ इंडिया गए थे और अब इंडिया में वापस लौट रहे हो, और अगर आपका आउट ऑफ इंडिया जो स्टे था वो मोर देन 3 मंथ था पर अप टू 6 मंथ था तो यूज्ड, तो सर ऐसे केस में पर्सनल और हाउसहोल्ड आर्टिकल भी एडिशनली अलाउ किए रूल नंबर 6 के अंदर. और रूल नंबर 6 बोलता है क्या? पर्सनल और हाउसहोल्ड आर्टिकल्स अदर देन दोज विच आर कवर्ड इन अनेक्सर 1 और अनेक्सर 2 बट इंक्लूडिंग अनेक्सर 3 पर अप टू लिमिट ऑफ रुपीज 60,000 एडिशनली अलाउड है बेटा, पर आप इंडियन पैसेंजर होना चाहिए बेटा. सेकंड, अगर मोर देन 6 मंथ आप बाहर रहे पर अप टू 12 मंथ अगर आप बाहर रहे तो 1 लाख तक का बेनिफिट आपको मिल जाएगा. सेम पॉइंट है. और हाँ, अगर लास्ट 2 साल में एटलीस्ट 365 डेज अगर आप बाहर रह गए और आपने पिछले 3 साल में आपने ये वाला बेनिफिट क्लेम नहीं किया तो ऐसे केस में 2 लाख तक का बेनिफिट आपको अलाउड है. किसके लिए? पर्सनल और हाउसहोल्ड आर्टिकल, स्पेसिफिकली इन्हीं गुड्स के लिए बेटा. और अगर एटलीस्ट 2 ईयर आप बाहर रह गए, कितना बेटा? सर मिनिमम स्टे ऑफ 2 ईयर मोर देन 2 ईयर्स, तो ऐसे केस में 5 लाख तक का बेनिफिट है सर पर्सनल हाउसहोल्ड आर्टिकल के. कितना बेटा? 5 लाख तक का. पर हाँ, यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि एटलीस्ट 2 साल बाहर होना चाहिए. पर अगर अर्ली रिटर्न होंगे आपका अप टू 2 मंथ तो अर्ली रिटर्न अप टू पीरियड ऑफ 2 मंथ कैन बी कंडोन बाय SEDC इफ अर्ली रिटर्न वॉज ड्यू टू टर्मिनल लीव या वैकेशन अब्रॉड. अगर आपका वैकेशन हो गया था या टर्मिनल लीव मिल गई थी या फिर एनी अदर रीजनेबल रीजन था तो SEDC अर्ली रिटर्न अप टू पीरियड ऑफ 2 मंथ कैन बी कंडोन बाय SEDC बेटा. सेकंड सर, लास्ट 2 साल में जब आप बाहर रहे थे, आप इंडिया में बार बार आए ऑन शॉर्ट विजिट्स इन इंडिया, योर टोटल पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ पर रीजनेबल रीजन, रीजनेबल केस के केस में, एक्सेप्शन केस में कमिश्नर आपको अलाउ कर सकता है. एंड सर, आपने पिछले 3 साल में ये वाला बेनिफिट आपने कभी लिया हुआ नहीं होना चाहिए बेटा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा. ओके अब रूल नंबर 7 बोलता है करेंसी के केस में फेमा रेफर करिए बेटा. फेमा के रूल्स अप्लाई होंगे, यहाँ पे करेंसी के लिए कुछ नहीं बोला है. रूल नंबर 8 बोलता है क्या? अनअकाउंटेड बैगेज. सर ध्यान रखना बेटा, अभी हमने बात करी थी क्या, बैगेज इंक्लूड्स अनअकाउंटेड बैगेज. पर अगर मतलब बैग पे लाया गया आप बाद में आए, या आप बाद में आए बैग पे लाया गया, बैग पे लाया गया आप बाद में आए, या आप पे लाया गए बैग बाद में, कितना बाद में आए साहब?
क्योंकि टाइम लिमिट तो होगी. तो बोला है क्या, अगर पैसेंजर यहाँ पे आ गया उसके बाद बैग अगर उसका आ रहा है तो इट शुड बी डिस्पेस विद इन वन मंथ. कितने महीने में बेटा, इट शुड बी डिस्पेस विद इन वन मंथ ऑफ हिज अराइवल इन इंडिया प्लस फर्दर पीरियड बीच में भी अलाउड बाय एसीडीसी. सेकंड केस, अगर बैगेज पहले आ गया आप बाद में आ रहे हो तो यू शुड अराइव इन इंडिया विद इन टू मंथ प्लस एक्सटेंशन अलाउड बाय एसीडीसी. अगर एक्सेप्शनल केस आपके थे सर, बियॉन्ड योर ओन कंट्रोल आप नहीं आ पाए विद इन टू मंथ, ऐसे केस में एसीडीसी कैन अलाउ यू द एक्सटेंशन बट टोटल पीरियड कैन नॉट एक्सीड वन ईयर. क्लियर? उसमें आप आ गए तो वो बैगेज अनअकाउंटेड बैगेज बैगेज केस को मैं जाएगा, नहीं तो उसको नॉर्मल इंपोर्टेड गुड्स मानते हुए नॉर्मल कस्टम का प्रोविजन लगा देंगे उस पर. एंड सर रूल 9 बोलता है क्या, एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल्स टू क्रू मेंबर्स. भाइयों क्रू मेंबर के लिए बेनिफिट अलाउड नहीं है एक्सेप्ट ऑन देयर लास्ट विजिट. जब उनका सर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा होगा तो लास्ट विजिट जो होगा तब नॉर्मल रूल के जो बेनिफिट है उसको क्रू मेंबर को मिल जाएंगे, बाकी हर ट्रिप पे उसको बेनिफिट नहीं मिलेंगे. एक्सेप्ट अगर क्रू मेंबर्स बाहर से आ रहा है और क्या लेके आ रहा है, आइटम्स लाइक चॉकलेट्स चीज कॉस्मेटिक लिपस्टिक वगैरह याद आया बट आपको, और एनी अदर पेटी गिफ्ट आइटम अप टू वैल्यू नॉट एक्सीडिंग रुपीज 1500 तक का हर ट्रिप में उसका अलाउड है. अदरवाइज उसे एक्सेस लेके आया तो उसको कस्टम पे करना पड़ेगा साहब. क्लियर? ये खत्म होता है क्या बैगेज के प्रोविजन. आगे कहा सर इंपोर्ट बाय पोस्ट या ऑथराइज कुरियर. बेटा ऑथराइज कुरियर भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है. अब सर देखना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय पोस्ट या कुरियर भी होता है, आपको पता है बेटा. अब सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय पोस्ट होता है तो क्या प्रोसीजर है? सबसे पहली बात तो जब इंपोर्ट बाय पोस्ट होगा तो सर जब पार्सल आएंगे तो उसके अनलोडिंग के लिए कस्टोडियन के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, वहाँ पे एंट्री इनवर्ट की कोई जरूरत नहीं होती, उसको अनलोड करके डायरेक्टली देते हैं किसको, पर्सन इंचार्ज को. सर कौन सा पर्सन इंचार्ज बेटा, जो ऑथराइज पर्सन होगा कुरियर का, ऑथराइज कुरियर का या पोस्टल अथॉरिटी बेटा, उसको दे दिया बेटा. वो क्या करेगा उन पार्सल पे सब पे कंप्लीट डिक्लेरेशन लिखा होता है बाय पोस्ट जब भी गुड्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है तो पार्सल पे आपको लिखना पड़ता है क्या, कंप्लीट डिक्लेरेशन रिगार्डिंग गुड्स का वैल्यू क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, एचएसएन कोड क्या है, सब कुछ लिखना पड़ता है बेटा. उसके बेस पे वो पोस्टल अथॉरिटी क्या करेगा, एक लिस्ट बनाएगा या ऑथराइज पर्सन ऑफ द ऑथराइज कुरियर क्या करेगा, लिस्ट बनाएगा उन पार्सल पे जो डिक्लेरेशन लिखा उसके बेस पे. वो लिस्ट को वो पोस्टल अथॉरिटी या ऑथराइज ऑफिसर ऑफ कुरियर क्या करेगा, सबमिट करेगा किसको, कस्टम ऑफिसर को. और जिस दिन उसने सबमिट किया दैट डेट इज द रिलेवेंट डेट फॉर द पर्पस ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स बाय पोस्ट या ऑथराइज कुरियर. क्लियर? अब सर वो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, उस लिस्ट को चेक करेगा, देखेगा क्या इन पे कस्टम लगना है कि नहीं लगना है, नहीं लगना है तो इट विल बी अलाउड टू बी डिलीवर्ड एट कंजनी एड्रेस पर. अगर लगना है तो सर कंजनी को इंटीमेट करेंगे, इसका कस्टम पे करो हम डिलीवर करेंगे, नहीं तो डिलीवर नहीं करेंगे. ओके सर जिस दिन वो लिस्ट सबमिट करी, रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ एंड टैरिफ वैल्यू क्या होगा बेटा, जिस दिन लिस्ट सबमिट करी पोस्टल अथॉरिटी ने किसको, कस्टम ऑफिसर को, वो दिन या अराइवल ऑफ वेसल या एयरक्राफ्ट व्हिच एवर इज लेटर. ओके अब सर इन केस ऑफ एक्सपोर्ट रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट रिलेवेंट डेट ऑफ ड्यूटी क्या होता है, जिस दिन असेसी ने, आई रिपीट, जिस दिन असेसी ने पार्सल दिया पोस्टल अथॉरिटी को, आई रिपीट, जिस दिन असेसी ने पार्सल दिया किसको, पोस्टल अथॉरिटी को, दैट इज द रिलेवेंट डेट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट. कंजनर ने पोस्टल अथॉरिटी को या ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द कुरियर को जिस दिन पार्सल दिया दैट इज द रिलेवेंट डेट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट बाय पोस्ट या कुरियर बेटा. ओके सर और डेट ऑफ फाइलिंग क्लेम का मानते हैं जब वो ड्रॉबैक के केस में आता है बेटा, जिस दिन क्लेम देता है पोस्टल अथॉरिटी को इसको कस्टम ऑफिसर को, वो था डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्लेम ड्रॉबैक के केस में बेटा. पर रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्रॉबैक एंड रेट ऑफ ड्यूटी क्या होता है, जिस दिन पार्सल दिया कंजनर ने किसको, पोस्टल अथॉरिटी को या ऑथराइज ऑफिसर ऑफ कुरियर को बेटा. ओके सर ध्यान देना बेटा, सर जो भी प्रोविजन पोस्ट में अप्लाई होते हैं वो सब ऑथराइज कुरियर में भी अप्लाई होंगे. रूल्स रेगुलेशन बनाने के पावर इनको दे रखे बच्चों. क्लियर? डन. ओके सर आ रहा है क्या, इन केस ऑफ स्टोर्स सेक्शन 85 से लेकर 90. स्टोर्स क्या होते हैं, दीज आर पार्ट्स कंपोनेंट्स और कंज्यूमर्स या एक्सेसरीज विच आर रिक्वायर्ड टू रन द वेसल एयरक्राफ्ट, विच आर कंज्यूम्ड ऑन बोर्ड द वेसल एयरक्राफ्ट. ओके सर अगर आपने फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट को कोई भी गुड्स सप्लाई किया है स्टोर तो उसको एक तरह से एक्सपोर्ट तरह माना जाता है, वहाँ पे ड्रॉबैक भी मिलता है आपको. और वहाँ पे अगर आपने इंपोर्ट पे कस्टम पे किया तो वहाँ पे 100% ड्रॉबैक मिलता है इंस्टेड ऑफ 98% बेटा. क्लियर? और अगर आपने इंपोर्ट करते हुए डिक्लेरेशन दिया कि दीज आर द गुड्स जो आप वेयर हाउस में रखवा रहे हो कस्टम बोर्ड वेयर हाउस में एंड दीज आर द गुड्स टू बी सप्लाई टू फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट एज ए स्टोर, तो ऐसे केस में दीज गुड्स आर अलाउड टू बी स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस विदाउट एनी असेसमेंट एज वेल एज विदाउट एनी बॉन्ड. इसलिए इन गुड्स को स्पेशल वेयर हाउस में रखा जाता है, पर वेयर हाउसिंग चैप्टर आपके कोर्स में आता नहीं है इसलिए बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना बेटा इस केस में. क्लियर? और हाँ सेम प्रोविजन अप्लाई होते हैं अगर आपने इंडियन नेवी शिप को, किसको बेटा, इंडियन नेवी शिप को अगर सेम गुड्स अप्लाई किए एज ए स्टोर तो सर सेम बेनिफिट जो ड्रॉबैक के रिफंड के आपको मिलते हैं वो यहाँ पे भी मिलेंगे बच्चों. क्लियर? पक्का बच्चों? डन. एंड हाँ अगर आपने कोई गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किया, प्रोड्यूस किया और फॉरेन गोइंग वेसल को या फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट को सप्लाई किया एज अ स्टोर तो नो कस्टम्स और नो अदर ड्यूटी विल बी चार्ज्ड. क्लियर? पक्का? और हाँ सर इंडियन टेरिटरी में अगर वेसल चल रहा है या एयरक्राफ्ट चल रहा है तो उसमें भी तो कंज्यूम होंगे सर स्टोर्स, तो चलेगा, उस पर कोई कस्टम वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है. और एक वेसल से दूसरे वेसल पे कोई आपको स्टोर्स ट्रांसफर करने तो प्रॉपर ऑफिसर से परमिशन लेके आप ट्रांसफर कर सकते हो. ये एक एक लाइन पूरा चैप्टर
टॉपिक खत्म होता है अब, इसी के साथ चैप्टर नंबर 30 खत्म होता है अब। थैंक यू सो मच। और हाँ, ध्यान रखना बच्चों, दिस टाइम्स वी आर वेरी एक्टिव, क्योंकि सर पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, लाइव बैचेस नहीं हो रहे। आई एम वेरी एक्टिव ऑन यूट्यूब, सो सर आप यूट्यूब से कनेक्ट रहे मेरे से। आपको जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी डाउट्स वगैरह हो, आप मेरे से बात कर सकते हो। आप अगर सब्सक्राइब कर लिया तो ठीक है, बेल आइकन भी दबा के रखें, सो दैट आपको जो भी नोटिफिकेशन मेरे होते हैं इंपॉर्टेंट वीडियोस के, वो आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे। अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं हो जाए बच्चों। क्लियर? थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, माहौल करते रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू।